हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और आरबीआई ग्रेड बी की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कि आरबीआई के अंदर इनइक्वालिटी बेस्ड 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपके पास में दो इक्वेशंस गिवन होती है, दोनों को आपने सॉल्व करना और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंपेयर करना है कि विच इज ग्रेटर लेस देन और लेस देन ग्रेटर देन, कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है कि हाँ जी, एक मेरे पास में वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ये जो वैल्यूज हैं आपके पास में सिंपल वैल्यूज है, आपके पास रियल नंबर है, इन दैट केस आप इजीली सोल्व कर लेते हो। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है स्टूडेंट्स को, जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ पे कि आपके पास में जो वैल्यूज है ये रूट की फॉर्म में है। ठीक है ना, रूट की फॉर्म में अगर वैल्यूज है, इन दैट केस हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को यही करवाने वाली हूँ। तो आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी ने अपने फ्रेंड्स के साथ में जल्दी से क्लास को शेयर कर देना। ठीक है ना, कि क्योंकि आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के साथ। तो एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ में करते हुए चलना। देखिए, आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13 रूट 2 एक्स इज प्लस 60 इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन ये है। अब यहां पे देखिए जो बी है, बी की वैल्यू क्या है आपके पास में, 13 रूट 2। ओके, सेम वे आपके पास में दूसरी इक्वेशन गिवन है, वाई स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 वाई माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो, हेयर द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 3 रूट 5। ओके, तो अब पॉइंट आता है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो, जो सबसे पहले इक्वेशन को अगर देखें तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 13 रूट 2 प्लस 60 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लोगे, उनको हम प्लस माइनस कब कर सकते हैं, हमें पता है कि दिस इज द सम ऑफ रूट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे अपने पास में वैल्यू है तो उनको हम सम कब कर सकते हैं, जब दोनों के अंदर आपके पास में जो इंडेक्स वैल्यू है सेम होनी चाहिए ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे रूट टू है तो दूसरा भी रूट टू होगा, तभी आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट टू है और रूट थ्री है, क्या आप इसको एड कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास में है रूट टू प्लस 3 रूट 2, तो इसको हम ऐड करके ऐसे लिख सकते हैं 4 रूट 2। पॉइंट इज क्लियर, दैट मींस कि अगर हमारे पास में ये वैल्यू सेम है, इन दैट केस यू कैन प्लस माइनस दीज वैल्यूज। ठीक है ना, सेट्स एंड इंडिसेस में हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। दैट मींस कि जब हमारे पास में जो वैल्यू है मेरी रूट में होगी, ओनली आफ्टर दैट यू कैन प्लस माइनस दीज टू वैल्यूज। तो अब हमने करना क्या है कि यहां पे सबसे पहले जो 60 है, इस 60 को हमने पहले 2 से डिवाइड करना है। एक बार मेथड समझ लो, उसके बाद में आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। देखो क्या है, ये यहाँ पे जो सी की वैल्यू है, इसको जो आपकी वैस वैल्यू रूट में दे रखी है उससे हमने डिवाइड करना है विदाउट रूट। कितना आ गया आपके पास में, 30 आ गया, कितना आ गया 30। अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या करना है कि ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें, पहले क्या था हम 60 लेते, अब 60 नहीं लेना, हमने 30 लेना है। क्यों, 30 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 30 को मैंने इस तरह से डिवाइड किया है, करना है कि मेरे पास में वैल्यू क्या आनी चाहिए, 13 आनी चाहिए। दैट मीन्स कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 13 आए, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो ऐसी दो वैल्यूज क्या है हमारे पास में, 10 है और 3 है। क्लियर, जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है आपके पास में, 13 बन रहा है। अब बात आती है कि वैसे तो वैल्यू हमारे पास में 60 थी, अब इनको हम डायरेक्टली भी नहीं ऐड कर सकते, यहाँ पे तो रूट 2 है, तो इसलिए हमारे पास में जो वैल्यूज बनेंगे वो क्या बनेंगे, रूट 2 रूट 2। क्या आ गया, 10 रूट 2 एंड 3 रूट 2। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, 10 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, तो क्या आ गया आपके पास में, 13 रूट 2 आ गया, यही हमें चाहिए था। अब देखो दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट 2, तो ये क्या हो गया, 30 इंटू 10 इंटू 3 30 और रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2, दैट मीन 60। पॉइंट इज क्लियर,
पता चल गया कि क्यों टू से डिवाइड करेंगे हम। मींस कि हमारे पास में जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करना है, हमने माइंड के अंदर इसको जो भी रूट के अंदर वैल्यू गिवन है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारे पास में रियल नंबर है उसको हमने बिल्ड करना है कि हाँ जी जब हम उसको ऐड करें तो वो वैल्यू आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे उस टाइम पे रूट को हम साथ में काउंट करेंगे। पॉइंट इज क्लियर। अब एक बार दोबारा से मैं सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपके पास में, ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में 13 को 10 रूट टू एंड 3 रूट टू। अब यहां पे देखो जो साइन टेबल वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं कि यहां पे आपके पास में हमने क्या जनरेट करना है, प्लस की वैल्यू ले रही है। यहां पे अगर माइनस है दैट मींस कि दोनों का एडिशन करने के बाद में क्या वैल्यू आनी चाहिए, प्लस की वैल्यू आनी चाहिए। तो हमें पता चल गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 10 रूट टू एंड 3 रूट टू। सिंपल, बिल्कुल क्लियर है। सेम वे अब हम दूसरा क्लियर करते हैं। दूसरा है हमारे पास में इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 3√5 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब देखो अगेन मैंने क्या बताया कि जो रूट के अंदर वैल्यू उससे डिवाइड करो, उससे डिवाइड किया कितना आ गया, 20 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी 4 आ रहा है। दैट मींस कि मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका एडिशन क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस है, That means कि one value will be of positive sign and second value will be of negative sign. तो अब देखो 4 कैसे आएगा, 4 into 1, 4 root 5 and 1 root 5. अब यहाँ पे देखो ये plus का sign है, that means कि bigger value क्या आएगी, minus की आएगी आपके पास में, तो ये हो गया minus और ये हो गया हमारे पास plus. हाँ जी clear? वैल्यू क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आपके पास में जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, माइनस 4√5 एंड रूट 5। क्लियर, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू है 10√2 3√2, y की वैल्यू माइनस 4√5 एंड रूट 5। नाउ यू विल कंपेयर दीज टू वैल्यूज। पहले तो ये देखो रूट बनाना आ गया सभी को, किसके अंदर जो वैल्यू है तो उसके अंदर हमारे कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। देखो मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आ रहा है आपके पास में, 4 5 20, ठीक है, माइनस का 20 आ रहा है। जब उनको ऐड कर रहे हो तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में, 4√5 1√5, तो क्या बनेगा, 4 से 1 माइनस किया हमने कितना बन गया 3, तो 3√5 बन रहा है। बिल्कुल क्लियर है। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। डन, नाउ वी विल कंपेयर दीज टू वैल्यूज। एक्स की वैल्यू है मेरे पास में ये, ठीक है, और y की वैल्यू है मेरे पास में यहाँ पे, ये दोनों को आप कंपेयर करेंगे। अब जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10√2 को पहले इन दोनों के साथ कंपेयर करना, दिस इज ग्रेटर देन माइनस 4√5, दिस इज ग्रेटर देन रूट 5, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन y बन रहा है एक केस में। अब दूसरा चेक करो, 3√2 इज ग्रेटर देन माइनस 4√5, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस की है तो माइनस की वैल्यू हमेशा प्लस की वैल्यू से छोटी होती है। तो √3 √2 इज ग्रेटर देन दिस एंड 3√2 इज ग्रेटर देन दिस, दैट मींस कि हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, x इज ग्रेटर देन y। हां जी बताओ, क्लियर है सभी को, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। देखो अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगर थोड़ा भी डाउट रह गया तो यहां पे क्लियर हो जाएगा आपका। देखो सबसे पहला है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4√7x प्लस 21। अब मुझे सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो x के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया आपके पास में 3। दैट मीन्स कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 3 आए, और जिनको जब मैं ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, रूट 7 को हम साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं तो बाद में हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, 4 कैसे आएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, तो एक होगी 3 और दूसरी वैल्यू क्या होगी आपके पास 1√7, तो यहाँ पे भी हमने √7 लगा दिया और √7 लगा दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यूज है, यहाँ पे माइनस, दैट मींस कि बोथ विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन, क्लियर, हाँ जी। तो अब देखो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने की वैल्यू क्या बन रही है आपके पास, 7 × 7 7 7 को 3 से किया 21, दैट मींस कि 21 ही चाहिए था मुझे, 21 आ गया मेरा, क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि हाँ जी जब हम उनको एड करें तो क्या आना चाहिए, 4√7, तो देखो 3
रूट सेवन प्लस वन रूट सेवन कितना आ गया आपके पास में, फोर रूट सेवन। दैट मीन्स कि बिल्कुल सही है हमारा। अब बात करते हैं हम वाई की। अब वाई के लिए देखो क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान रखने वाला है, पहले क्या करेंगे, जो रूट के अंदर वैल्यू है बी में उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। तो 50 को हमने क्या करना है, 10 से 5 से डिवाइड करना है। और हमें पता है कि ए के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करते थे, तो इस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स की वैल्यू कितने आ गए आपके पास में, 20। अब देखो, अब आप फैक्टर्स बनाओ कि जब हम ऐड करें तो हमारे पास में वैल्यू क्या आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। जब हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए। क्लियर? हाँ जी। यहाँ पे देखो माइनस है, दैट मीन्स व्हाट, कि एक वैल्यू पॉजिटिव साइन की होगी, एक वैल्यू हमारी नेगेटिव साइन की होगी। तो अब देखो ऐसे दो नंबर कौन से, 10 × 2। अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है हमारे पास में, 20। अगर हम 10 के अंदर से 2 को माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 8। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये माइनस की होगी और ये वैल्यू मेरे पास प्लस की होगी। सिंपल। तो दो वैल्यूज बन रही है, 1 is 10 एंड द सेकेंड 1 is -2। अब देखो जिन जिन के साथ भी मैंने एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की थी वही सेम हमने यहाँ पे मेथड लगाना। तो यहाँ पे देखो हमने रूट फाइव के लिए क्या किया था, यहाँ पे रूट फाइव के लिए 5 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट फाइव इसके अंदर और रूट फाइव इसके अंदर, टोटल कितना बन गया आपके पास, 5। और यहाँ पे देखो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, दैट मीन्स कि इसको हम 2 से क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 √5 एंड -1 √5। ओके, हाँ जी, क्लियर है सभी को। अब हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर देखो करो, अब कंपेयर जब हम करेंगे तो कैसे करोगे, पहले इस वैल्यू को इन दोनों के साथ कंपेयर करोगे। कंपैरिजन का मेथड मैं पहले ही बता चुकी हूँ, देखो कैसे करेंगे। पहले ले लो एक एक्स है और वाई, दोनों को कंपेयर करना है। पहले इस वैल्यू को इन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, 3 √7 दो बार ही लिख लो, ठीक है, एंड √7 √7। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे हम 5 √5, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास में, √5, फिर 5 √5 एंड -√5। अब देखिए कंपेयर करके, अब यहाँ पे देखो आपके पास में 3 √7 क्या है, लेस देन है। ठीक है, 3 √7 क्या है, ये ग्रेटर देन है। अब यहाँ पे देख लो आप कि एक वैल्यू लेस देन आ रही है, एक वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है। एक वैल्यू लेस देन है, एक वैल्यू ग्रेटर देन है। यहाँ पे देखिए अब अगेन ये ग्रेटर देन है और ये अपने पास में इधर से, ठीक है ना। √7 is less than 5 √5 एंड √7 is greater than -√5। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके दोनों साइंस आ रहे हैं, और जब आपके पास में ग्रेटर देन लेस देन दोनों साइन आते हैं, इन दैट केस क्या कहते हैं हम कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कांट बी एस्टेब्लिश। दैट मीन्स कि दोनों के बीच में कोई भी हम रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो सी एंड डी, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर बिल्कुल। देखो काफी इंपॉर्टेंट टाइप है और इसके अंदर बच्चों को बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कुछ नहीं करना, सिंपल ध्यान दो आपके पास में जब भी इस तरह की वैल्यू आती है, क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, √5 को √5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। तो अब हमें जब मल्टीप्लाई करना है तो उस केस के अंदर क्या करना है कि √5 √5 5 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको उससे डिवाइड कर देंगे और ये जो वैल्यू है हमारे पास ए की, इसके साथ में हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है अगेन। देखो क्या है, x² - 6√3x - 48 = 0। डन। अब यहां पे देखो आपके पास में क्या है, √3 है। जब √3 गिवन है तो हमें पता है √3 × √3 3 बन जाएगा। तो यहां पे हमें कौन सा नंबर चाहिए, 48 है। 48 को पहले आप 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया आपके पास में, 16। दैट मींस कि अब मुझे कैसा नंबर चाहिए कि जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 16 आना चाहिए, और एडिशन के बाद में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब ये वैल्यू है माइनस की, दैट मींस कि वन वैल्यू विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन, वन वैल्यू ऑफ द नेगेटिव साइन। तो अब यहाँ पे देखो क्या वैल्यू बनेगी आपके पास में, हाँ जी क्या बनाएंगे, 8 and 2। सिंपल सी बात है, 8 and 2। और हमें साइन किसका चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो मुझे किसका साइन चाहिए, प्लस का साइन चाहिए। प्लस साइन कैसे आएगा, 8 - 2 = +6। क्लियर? अब यहाँ पे क्या किया था हमने, 3 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये आपके
वैल्यूज आ गई x की, पॉइंट इज क्लियर। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में कितनी आ जाएगी, देखो दोबारा बता रही हूँ, 3 से डिवाइड किया 16, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, सो 1 इज 8 एंड सेकेंड इज माइनस 2। अब हमने 3 से क्या किया है, डिवाइड किया है, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज रूट 3 एंड दिस इज रूट 3। हाँ जी क्लियर। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई है x की। सेम वे आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देखो y के लिए क्या है, रूट टू है कल्ला, ठीक है ना, रूट टू वाई। अब रूट टू है दैट मीन्स कि अगर इसके सामने कुछ भी नहीं है दैट मीन्स कि वन है ठीक है। तो अब यहां पे देखो 24 है, 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 12। दैट मीन्स कि मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं देन आई गेट 12, एंड जब हमको प्लस करें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास में 1 आनी चाहिए। यहाँ पे माइनस है दैट मीन्स कि मुझे प्लस का 1 चाहिए, ठीक है, तो क्या आ गया 4 एंड माइनस 3। ओके, जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, रूट टू के साथ में, यहाँ पे रूट टू इंटू रूट टू मीन्स 2 से हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, रूट टू एंड रूट टू। क्लियर। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 4 रूट टू इंटू माइनस 3 रूट टू। अब देखो वैसे तो इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है, दैट मींस कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगी एक वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे भी एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, सेम वे यहाँ पे भी हमारे पास में एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तो क्या आएगा, हमेशा सी एंड डी आंसर आएगा, कांट बी डिटरमाइंड, सो ई विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, और अगर हम करते हैं, ये मैंने सोल्व करके आपको इसलिए बताया कि आपको सोल्व करना है, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आएगा, कोई भी इक्वेशन एग्जाम में आ सकती है, सो यू शुड नो कि कैसे उसको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो अब देखो अगर कंपेयर करते हैं हम, तो मैं आपको कंपैरिजन भी बताती हूँ। यहाँ पे देखो 8 रूट 3 दो बार लिखना है आपने, ठीक है, 2 रूट 3 एंड माइनस 2 रूट 3। अब इसको कंपेयर करना है हमने इसके साथ में, 4 रूट 3 देन 3 4 रूट 2 एंड माइनस 3 रूट 2। अब देखो कंपेयर करो, ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन, दिस ग्रेटर देन है, ठीक है जी। अब यहां पे देखो आपके पास में जो वैल्यूज हैं, एक प्लस साइन की है एक माइनस साइन की। अब जो प्लस वाली वैल्यू है ये इससे ग्रेटर है, ठीक है, और इससे भी ग्रेटर है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आ गया माइनस की वैल्यू, तो ये माइनस वाले जो वैल्यू है ये हमेशा क्या आएगी, इससे स्मॉलर होगी, इससे भी हमने पास में ये जो है ये क्या हो गया, ये माइनस 3 है, ये माइनस 2 है, ये ग्रेटर हो गया। तो हमारे पास में जो साइन है, साइन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का साइन आ रहा है, दोनों का साइन आ रहा है। इसको मैंने ग्रेटर क्यों लिया, क्योंकि जो माइनस में वैल्यूज होते हैं ना बच्चे, तो उस केस के अंदर जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है, जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास में ग्रेटर, तो लेस देन ग्रेटर देन दोनों साइन आ रहे हैं, दैट मीन्स की क्या हो जाएगा, सी एंड डी। हाँ जी क्लियर, बिल्कुल ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आज मैं आपकी यही टाइप क्लियर करवा रही हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी आपने खुद से ट्राई करना है, इसको आपने खुद से ट्राई करना है पहले कि आप कर सकते हो, समझ आया आपको। अब यहाँ पे देखो आपके पास में जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू क्या है, 60 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 23 और यहाँ पे है 6। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मुझे ऐसा कौन सा नंबर लेना है जिसको हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर बनाने के हैं जी, हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आनी चाहिए कुछ, जब एडिशन करें तो कुछ वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, 60 गिवन है। अभी मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू रूट में बी की गिवन होती है उससे आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे हम 3 से, ठीक है। और यहाँ पे है 6 गिवन, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई करोगे 6 से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20, दैट मीन्स कि 120 मुझे क्या चाहिए, 120 चाहिए, क्लियर। हाँ जी, कितना चाहिए मुझे, 120 चाहिए। अब देखो 120 कैसे बनाएंगे हम, 120 x के लिए कैसे बनाएंगे हम, ये आ जाएगा आपके पास में, जब हम ऐड करें तो हमारे पास में वैल्यू क्या आनी चाहिए, 23 आनी चाहिए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में वैल्यू क्या आनी चाहिए, 120 आनी चाहिए, क्लियर। हाँ जी,
बिल्कुल क्लियर है सभी को? तो क्या आ जाएगा आपके पास में 15 into 8 कितना आ गया, 120 आ गया। अब देखो ये तो वैल्यू आ गई 120, बट अब फर्दर क्या करेंगे, प्रोसेस को रिवर्स लेके जाना है कि जिससे हमने डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से डिवाइड किया था, 3 कैसे बना था, √3, तो यहाँ पे √3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किससे किया था, 6 से, दैट मीन्स कि 6 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक्स की वैल्यू ये आ गई आपके पास। हाँ जी क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास में एक्स की आ गई, अब हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते। वाई के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, 15 है, ठीक है। यहाँ पे √3, दैट मीन्स कि 3 से इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या है, 2, तो मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 × 5 = 15, दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास में, 10 आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, और जब हम ऐड करें तो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। यहाँ पे जो साइन है ना उसका अपोजिट साइन चाहिए होता है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जब हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, और जब हम ऐड करें तो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो क्या आएगा, 5 और 2 आ गया हमारे पास में। ध्यान से देखेंगे, 5 और 2 किसका चाहिए मुझे, माइनस का, दैट मीन्स कि ये वैल्यू माइनस की होगी, ये वैल्यू प्लस की होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया था, √3 से हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे √3 × √3, तो हम क्या करेंगे, √3 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अब हमने और क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब क्या करेंगे हम, 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, डन। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई, अब हमें करना है कंपेयर। कंपेयर करना मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब पहले 15/6√3, ये क्या है, माइनस की वैल्यू, तो इससे ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन हो गया। मैंने क्या बताया आपको, पहले पहली वैल्यू को इन दोनों के साथ कंपेयर कर लो, ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू को भी इन दोनों के साथ कंपेयर कर लो, ऐसे ही करना। तो यहाँ पे इसको जब हम कंपेयर करें तो देन 15/6√3 इज ग्रेटर देन 5√3/2, बिल्कुल सही है, क्या है, ग्रेटर देन है। अब दूसरे जो पॉइंट, अब देखो रूट तो सभी में ही है, सिंपल इन वैल्यूज को ही आप कंपेयर कर सकते हो, या तो बिल्कुल ही सिंपल आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में 1, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दोनों केसेस में ग्रेटर देन आ गया। अब इसको कंपेयर करते हैं, 8√3, ये है माइनस, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन, और यहां से भी ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन, दैट मीन्स के क्या हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्लियर। सो क्या आ जाएगा आपके पास में, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। कंपैरिजन क्लियर है अच्छे से, कंपैरिजन में किसी को कोई भी डाउट, सीधा देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, दैट मीन्स कि रूट के लिए तो कुछ नहीं सोचना, सभी में ही है। अब हमें जो नंबर कंपेयर करना, वो सिर्फ हमारे पास में ये जो इंटीजर पार्ट है इसी को आपने कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो 15/6 इज ग्रेटर देन -5/2, 15/6 इज ग्रेटर देन 1, क्लियर। इसी तरह से 8/6 इज ग्रेटर देन -5/2, 8/6 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। यस क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास में क्वेश्चन है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, तो यहां पे देखो क्या है, 3x² + 19x + 30 = 0, दूसरा है 3y² - 20y - 32 = 0। हाँ जी ये अब आप खुद से करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम बेसिकली क्या आती है कि कहते हैं कि हाँ जी हम फैक्टर्स कैसे बनाए, पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसके बाद में आप देखो कि हाँ जी एडिशन करने पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है। तो इससे अच्छा हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो हमें चाहिए कि जब हम मल्टीप्लाई, जैसे यहीं पे था, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चाहिए मुझे, 90 चाहिए, जब हम उसको ऐड करेंगे तो 19 चाहिए। तो ये तो सिंपल ही था, 10 × 9 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे हम करें तो 32 × 3, यहाँ पे मुझे चाहिए 96, और जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे वैल्यूज, क्योंकि माइनस का साइन है, तो क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जब भी वैल्यूज आती है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फैक्टर बना सकते हो, ठीक है। हाँ जी डायरेक्टली आप लोग इसके फैक्टर्स बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, कैसे करोगे आप, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखो इसको, आप देखो कितना आया है, इसको हम 10 × 3 लिख सकते हैं,
10 × 3 लिख सकते हैं। अब देखो मुझे क्या चाहिए, 19 चाहिए। अब इस 3 को और इस 10 × 3 दोनों को हमने कंबाइन करना है, तो उससे ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो आपका क्या हो गया, 10 और ये हो गया 9, 10 × 9। क्लियर। इसी तरह से अगर मान लो यहां पे हम देखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, ये हो सकता है। तो अब यहां पे देखो अब क्या हो गया आपके पास, मुझे क्या चाहिए 20 चाहिए, मुझे क्या चाहिए 20 चाहिए। तो अब देखो 8 × 3 = 24, 24 से 4 गया तो 20। ज्यादा इजीली कर सकते हो आप, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपको जैसे आपको बेटर लगता है। एक तो तरीका ये है कि इसको पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में आप क्या करोगे कि हाँ जी उसको डिवाइड करना है, कि हाँ जी एडिशन करें तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या वैल्यू आनी चाहिए, कौन से दो फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। एक है कि हाँ जी आप यहाँ से डायरेक्टली कर लो, वो ज्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो अब आपके ऊपर है, तो यहाँ पे चलो अब जल्दी से आंसर आना चाहिए क्वेश्चन का। क्या है फर्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास में, एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, देखो क्या था हमारे पास में 10 × 9, 10 है, दूसरी वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास में 9 आ रही है, और दोनों वैल्यूज किसकी आएंगी हमारे पास, माइनस साइन की आएंगी, दोनों माइनस की आएंगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपके पास में, कि यहां से हमने इसको डिवाइड किया था 3 से, डिवाइड करेंगे जो भी यहाँ पे a की वैल्यू होती है उससे फाइनली आपको डिवाइड करना है, तो क्या आ गया 10/3 माइनस 9/3 आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू निकाले तो y का क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 8 × 3 = 24, 24 और 4 = 96, 24 × 4 = 96। अब 24 से 4 गया तो बच गया 20। अब यहाँ पे ये वैल्यू है मेरे पास माइनस की, दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए, प्लस का 20 चाहिए। प्लस 20 कैसे आएगा, जब बड़ी वैल्यू प्लस की होगी और छोटी वैल्यू माइनस की होगी, दैट मीन्स कि दो वैल्यूज आ गई हमारे पास में क्या, 24 और -4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। अब अगेन इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल देखो यहाँ पे सभी के अंदर डिवाइडेड बाय 3 है, डिवाइडेड बाय 3 है, दैट मींस कि 3 को कंसीडर ही ना करो जब कंपेयर करते हो आप, सिंपल जो आपके न्यूमरेटर में वैल्यू है उससे कंपेयर करो। अब देखो -10 > -4 - -10 = -4, हमेशा ध्यान रखना कि जब माइनस के अंदर दो वैल्यूज होती है तो जो बिगर वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है स्मॉलर वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे भी -10 क्या होगा, स्मॉलर होगा -4 से। सेम वे अब हम यहाँ पे देखते हैं -9 > 24 और -9 > -4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, x < y। ओके क्लियर है। इस तरह के तो हम काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आ रहा है या पहले कभी क्वाड्रेटिक का नहीं कर रखा, कहीं पे डाउट है, तो हमारी जो लास्ट क्वाड्रेटिक की क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको पूरा साइन टेबल और इस तरह के इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है सारा डिटेल में समझा रखा है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कई बार क्वेश्चन अपने पास में इस तरह भी आ जाते हैं, तो अब क्या करेंगे, अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में, तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है, ये है 12 और ये है 3, कितना हो गया 12 × 3 = 36। दैट मीन्स कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए, 36 आना चाहिए, और जब उनको हम ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, सिंपल। तो अब यहाँ पे अगेन एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास में कि मैं यहाँ पे इसी को इस तरह से कर लो, ठीक है ना, क्लियर। तो ये मेरे पास में वैल्यू डायरेक्ट बन गई 3 × 3 = 9, 9 + 4 कितना हो गया 13, डायरेक्टली आप कर सकते हो। या फिर सीधा अगर आपको लगता है कि हाँ जी मैं 36 का ज्यादा इजीली कर सकती हूँ तो आप 36 बना के कर लो, ठीक है ना, एज यू विश। तो यहाँ पे अपने पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 9 और 4। अब यहाँ पे 12 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 12 से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। ओके, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, दिस इज 3/4 और 1/3। क्लियर। अब हम बात करते हैं वाई की, वाई की वैल्यू देखिए आप, जब भी आप वाई की वैल्यू फाइंड, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपके पास में कुछ कैलकुलेटिव वैल्यूज गिवन है, तो आप सबसे पहले कैलकुलेशन करके उसको सॉल्व करके सिंपल कर लो। तो अब यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, देखो 729,
रेज टू पावर 1/6 तो कितना आएगा? अब बताओ जल्दी से। हाँ जी, क्या बनेगा आपके पास में? हाँ जी बताइए। तो देखो यहां पे अपने पास में जो वैल्यू है, वैल्यू क्या बनेगी? 3 होगी। 3 रेज टू पावर 6 कितना होता है? 3 रेज टू पावर 6 कितना होता है? 729 होता है। कितना होता है? 729 होता है। तो यहां पे देखो आपके पास में 729 के लिए क्या बन रहा है? 3। दैट मींस कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो यहां पे मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? क्या बनी हमारी इक्वेशन? वाई स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, हमें 3 चाहिए प्लस का, तो क्या आएगा? 4 एंड 1। क्लियर। अब जो 1 है वो किसका आएगा? माइनस का। दैट मींस कि 4 एंड -1 वैल्यू आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास में? 1 इज 4 एंड सेकेंड इज -1। क्लियर। हाँ जी, अब इनको हमने कंपेयर करना है। तो अब जैसे आप कंपेयर करोगे तो अब करो कंपेयर। सबसे पहले केस में 3/4 इज लेस देन 4 एंड 3/4 इज ग्रेटर देन -1। तो यहीं से हमें पता चल गया, एक बार ग्रेटर देन आ रहा है, एक बार लेस देन। तो नेक्स्ट को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से ही आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आपके पास में एक बार लेस देन का साइन आ जाता है और दूसरी बार में ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, दैट मींस व्हाट? कि आपके पास में अभी सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता, आप कंपेयर इसको नहीं कर सकते। क्लियर। तो आई थिंक इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ जी और क्लास की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हाँ जी और क्लास इस पे हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक क्लास और लगा देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी क्लियर है तो ठीक है, क्योंकि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो ये देखो कि हाँ जी हमने उसको सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर नहीं किया है फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर कर लो। उसका बेनिफिट आपको क्या मिलना है कि इसकी जो PDF है वो आपको साथ में अवेलेबल हो जाएगी। वार्म अप कोर्स पे जितने भी पुराने क्लासेस है और जो भी न्यू एडिशनल क्लास आती है सारे आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। क्लासेस ओवर।